जीरो ढाई तावे में कन्या शनिया पार चुकी है, रेडी हो गया जो कि अभी T20 के साथ उड़ाना है। माशाल्लाह गुजा आप चेक करें यार, लेवल है गुजे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज फिर से जैसे मैंने आपको बोला था, कल हमारा बड़ा दावा चला गया था, तो दोबारा से प्लान बन चुका है काइट उड़ाने का। और आज इब्राहिम के साथ पेचे हैं, तो वैसे जब भी उसके साथ पेचे रखते हैं हार ही जाते हैं, मगर आज शेरू भाई हमारे साथ है। वैसे शेरू उनके पास होता है, और ये देखें चरखे हुए केमिकल वगैरह का कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी इन्होंने गुड्डे वगैरह भी निकाले हुए हैं। गुड्डे कह रहे हैं आपके, ये सारे तावे लेके आए हुए हैं, कन्या वगैरह इन्होंने डाली हुई है। तो अभी चलते हैं इब्राहिम के साथ ऊपर छत पर जाके पेचा वगैरह करते हैं, तो फिर आपको भी साथ साथ इन्जॉय करवाते हैं, कन्वर्ट कर लें डोर जल्दी जल्दी। जी तो 022 इनकी कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि उस चरखे पे की है। अभी उसके साथ शेरू उड़ाएगा, मैं शायद येलो के साथ उड़ाऊंगा, या इस हमने गोल्डन एक्स की हमने कन्वर्ट की हुई है चरखी पे, यस के साथ, या जोकर 022 के साथ उड़ाऊंगा, या यूबी पांडा के साथ। अभी चलते हैं छत पे, डिसाइड करते हैं छत पे जाके। तो 12 तावा भी उड़ाएंगे, मगर आज नहीं उड़ाते। तो जैसा कि एक और बात बताना मैं आपको भूल गया, एबटाबाद में फिर से बसंत हो रही है, जो कि 6 सितंबर को है। तो इंशाल्लाह ये बड़े 12 तावे, ये बड़ी पतंगे, ये हमने उड़ानी है 6 सितंबर को। दोबारा बसंत इंजॉय करेंगे, तो फिर आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो जी हाँ, छत पे तो हम लोग आ चुके हैं, और माशाल्लाह से सीन कर सकते हैं आप एबटाबाद का। गाइड वगैरह काफ़ी उड़ रहे हैं, ब्रेम साहब ने भी गैमर आडा छोड़ा हुआ है। हम भी आ चुके हैं, हम भी बस कन्या वगैरह डली हुई है सर उड़ाना है, और शेरू साहब भी तैयारी में फुल, और ये चरखियाँ वगैरह छोड़ते हैं। और इस घोड़ के साथ शायद मैं उड़ाऊँ आज, देखते हैं आज मुकाबला इब्राहिम के साथ ये कर पाती है या नहीं, ये तो अभी उड़ाएंगे तो फिर ही पता चलेगा। जी तो हवा भी काफ़ी लेवल की, और अभी मैंने छोड़ना है ये रेड वाला तावा, जो कि हवा देखें कितने मज़े की और तेज घूम रहा है। वो सामने आप झंडा भी देख सकते हैं कितना तेज़ लहरा रहा है, और गुड्डे वगैरह उड़ चुके हैं काफ़ी। बस शेरू नीचे से टेप लेने के, हाथों पर टेपिंग वगैरह कर लें, तो इंशाल्लाह छोड़ते हैं ये गुड्डे। आज तावे बहुत हैं, क्योंकि आज हमारी गेम मुकाबला है, तो इसलिए गुड्डे वगैरह हम इकट्ठे ही लेके आ चुके हैं। अभी यानी जी तो शेरू टेपिंग वगैरह ले आया है, तो अभी मैं हाथ पे टेपिंग वगैरह कर रहा हूँ। पहले भी मेरे हाथ काफ़ी कट चुके हैं, ये देखें हाथों का बुरा हाल हुआ है। टेपिंग बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो केमिकल डोरे हैं काफ़ी तेज़ लगी हुई हैं, तो तेज़ जब लगी हुई हो तो फिर टेपिंग वगैरह काइट नहीं उड़ाने होता। तो वैसे टेपिंग वगैरह कर लें, गुड़ा वगैरह हमारा रेडी है, और शेरू का गुड़ा आ गया यार। ये शेरू आप अपना गुड़ा पकड़ो यार, तो बस इंशाल्लाह अभी फ्राई करते हैं। फिर आप पहला तावा छोड़ने लगा हूँ, वो भी गोल्डन एक्स के साथ, और अभी यार देखते हैं क्या होता है। ब्रेन के साथ हमारे देखिए, हाँ हाँ हाँ, आवाज बहुत मजे की है यार, देखो कैसे आगे जा रहे हो। ओहो ये यार मेरी चरखी ने पकड़ो यार, आज मेरी चरखी पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। अभी मैं उड़ा रहा हूँ, इसके बाद उड़ाएगा शेरू। दो दो गुड्डे छोड़ेंगे, हमारा आज पार्टनर कोई नहीं, अरसलान भी नहीं है, वो किसी काम से गया हुआ है, अजान भी आज ऊपर नहीं आ रहा, तो देखते हैं मजा आएगा उनके बगैर कि नहीं। हमारी चरखी पकड़ने वाला भी आज कोई नहीं है ना कुछ छोड़, बस मेरा गुड्डा तो टूट के ही चला गया, मुझे समझ ही नहीं आई। तो अभी शेरू उड़ाने लग गया 022 के साथ गोल्ड कटर के साथ, वही रेड वाला दोबारा से शेरू उड़ाएगा जैसा मैंने उड़ाया था। और अभी शेरू का देखते हैं क्या होता है यार, हमने पेचे लगाने हैं मगर गुड्डा ही टूट के चला गया, मेरा दिल ही टूट गया। तो अभी शेरू उड़ाता है, तो देखते हैं शेरू वही क्या करते हैं, काटते हैं इस गुड्डे के साथ के नहीं, ये अभी पता चलेगा। गुड्डा तो इनका माशाल्लाह हवा में चला गया, हवा भी बहुत तेज चल रही है, मज़ा आ रहा है। ये अभी पेचे होंगे तो फिर पता चलेगा इंशाल्लाह। जी तो ये ऊपर गुड्डों का आपस में लगा हुआ है पेचा, ये ब्लैक गुड्डे का और ये ऊपर डिब डिबिये का कलरफुल गुड्डा है, बहुत ही मजे का। ये आपस में पेचा लगा रहे हैं, और ब्लैक वाला घूम रहा है, मेरा ख्याल में नहीं लगा हुआ इनका पेचा, ब्लैक वाला तो गया, मुझे लगता है गिर गया और वो ऊपर है। अभी उसके साथ हम लगाएंगे, हमारा गुड्डा ये है, इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे चला जाए तो फिर लगाते हैं पेचे। और ये उड़ा है पाकिस्तानी फ्लैग वाला ढाई तावा, जो कि यार ज़बरदस्त, क्या लेवल है इस गुड्डे का यार, ज़बरदस्त। और वो अब्दुल्ला साहब उसे मार रहे हैं खींच, जैसे कि कल मुझे मारी उसे भी आज खींच लग गई, नहीं लगी, वो अभी उड़ा रहा है, लग ही जानी है खेचे इसको, क्योंकि उसने हमें नहीं छोड़ा तो इसे कहाँ छोड़ेगा। मुझे लगता है पेचा भी लग गया उनका आपस में, उड़ाते ही पेचा लगा दिया यार, ये क्या करते हैं समझ नहीं आती मुझे इन लोगों की, क्या करते हैं। ओहो हो, तीन दिन पेचे, पाकिस्तानी गुड्डे का लेवल देखो यार, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है उड़ा हुआ यार, ज़बरदस्त। हवा भी काफ़ी लेवल की है, और उस गुड्डे का लेवल भी आप देख लें। अभी इनका पेचा लगा हुआ तो है, अभी आपको दिखाते हैं साथ साथ कौन सा गुड्डा कट होता है और कौन सा नहीं। कलरफुल वाला गुड्डा तो गया नीचे, उसे काफ़ी ट्राइयाँ कर रहा है खींचे मारने की, मगर नहीं लग रही खींच उसको। आखिर यार वो भी कोई गुड्डा है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
इनका मुकाबला काफी टफ हो चुका है यार, काफी आगे चला गया है पाकिस्तानी गुड्डा, मगर फिर भी इनका आपस में आया गया डाई टावा पाकिस्तानी, जो कि आप देख सकते हैं यार जबरदस्त जी। पेचा तो मुझे लगता है इनका नहीं लगा आपस मुझे में पता है, पेचा नहीं लगा देख। पेचा अभी तक इनका नहीं लगा, काफी टाइम हो गया है। गुड्डा काफी हवा में भी चला गया, उसने फेंका था तो मेरे ख्याल में पेचा लग गया था, मगर अभी तक नहीं लगा। और ये अब्दुल्ला साहब की नाकाम ट्राइयां ये देख लें, खिंचे मार रहे हैं उसे, नाकाम ट्राइयों के साथ खिंचे मार रहे हैं मगर खिंच नहीं लग पा रही उसे। वो देखें डोर और फरफराटे का तमाशा, ये डोर वाला बहुत उछल रहा था, फरफराटे ने उसे मुसीबत में डाल दिया और नहीं काटने हो रहा, फरफराटा उसके साथ ही लटका हुआ है। काफ़ी कोशिश कर रहा है यार फरफराटा, काफ़ी कोशिश कर रहा है मगर नहीं, ये डोर वाले को उसने आखिरकार मुसीबत में फंसा दिया ना। ये ज़बरदस्त फरफराटा भी आखिर कोई छोटी सी चीज़ है मगर उसे बिल्कुल लाइट में नहीं लेना चाहिए। वो देखें भाई, वो देखें सही मुसीबत में पड़ा हुआ है डोर वाला गुड्डा। वो देखें वो देखें वो देखें यार, इनकी खिंचम खिंचाई होगी। वो देखें वो देखें, बीच में डाइटावे को भी खिंच लग गई है पाकिस्तानी, जो कि मैंने आपको बताया था वो जा रहा है कटा हुआ पाकिस्तानी डाइटावा, उसको भी खिंच लग गई है। आखिरकार अब्दुल्ला साहब ने उसे खिंच मार ही दी, जो कि वो सामने कटा हुआ जा रहा है, ये जा रहा है कटा हुआ यार पाकिस्तानी डाइटावा, इसको तो खींच लग गई। मगर वो फरफराटे और उसका आपस में तमाशा फिर भी अभी तक लगा हुआ है। और हमारे शेरू भाई का गुड्डा वो सामने रिंग रहे, और अभी ये किसी के साथ पेचा वगैरह करे तो आपको दिखाते हैं पीछा, वो पीछे पेचा लगा हुआ है वाइट गुड्डे के साथ, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा। अब मैं वीडियो कैसे बनाऊं क्योंकि आगे ये टावर है, ये सामने इनका पेचा लगा हुआ है, और ये शेरू का और उनका गुड्डा। और शेरू साहब ने आखिरकार पहला गुड्डा काट दिया यार, जबरदस्त। उठा लो अपना गुड्डा आराम से, और ये ऊपर रेड वाले, अब इस रेड वाले को यार मारो, इस रेड वाले के साथ पेचा लाजमी लगाना, ये ऊपर रेड है। और शेरू साहब को अभी फंसा दिया एक और फरफरे ने, जैसे अब्दुल्ला को फंसाया हुआ था फरफरे ने, अभी शेरू को फंसा दिया। और देखते हैं शेरू अब इस फरफराटे को काट पाता या नहीं। यार इतने हल्के गुड्डे होते हैं इनका पता ही नहीं चलता, वो देखो यार लटका हुआ साथ, काटने ही नहीं हो रहा यार। मुझे लगता है शेरू के बाजू भी थक चुके हैं। क्यों शेरू, बाजू वगैरह आपके थके हैं? बिल्कुल। वो देखें यार बेचारा थुमकियां लगा लगा के थक गया यार, ऊपर से धूप भी है, फरफराटा काटने का नाम ही नहीं ले रहा यार। ये क्या क्या ड्रामा है यार। ऐसा करो गुड़े को जरा सा उठा के ढील लो यार, वरना इसने कभी नहीं काटने होने, उसने ढीला छोड़ दिया आपके गुड़े के ऊपर। ओहो, फरफराटे ने इनका गुड्डा काट ही दिया यार। इन फरफराटों को काटना बहुत मुश्किल है यार, बहुत ही मुश्किल। पेचा लगा के ऊपर छोड़ देते हैं हल्का सा, तो उसके बाद ना काटने होते हैं ना और कुछ। अभी फिर से मैं उड़ाता हूँ पीछे से, आजर पास है हमारा, उसने भी गुड्डा उड़ा लिया, वो सामने छत पे चढ़ा हुआ है। आज पता नहीं भूल के कहाँ से गुड्डों की शौक आ गई है। और इब्राहिम डार के गुड्डा ही नहीं उड़ा, और आज इब्राहिम तो गुड्डा ही नहीं उड़ा रहा हमारे साथ मुकाबले का। उसने दावा किया हमें, उसने हमें पेचे की आवाज दी है, वो उसका गुड्डा तो नहीं है, वो उसका नहीं है, वो फरफराटा इब्राहिम तो नहीं उड़ा रहा यार, वो फरफराटा को ही उड़ रहा है। उड़ाए ना यार, हमें आवाज दे के बुला के अभी तक गुड्डे नहीं उड़ा रहा, तो अभी दूसरा गुड्डा मैं दोबारा से उड़ाता हूँ जी। तो अभी दोबारा से मैं रेड तावा उड़ाने लगा हूँ, यूबी पांडा के साथ, पांडा की रेड कलर की है, और अभी रेड कलर का दोबारा तावा उड़ाता हूँ। तो देखते हैं यार आज ब्रेन के साथ पेचे हैं, मगर मजा ही नहीं आ रहा। बुढ़ा तो ये भी मजे का लग रहा है मुझे, क्या बात है, क्या ख्याल है शेरू? बिल्कुल, वो बुढ़ा भी मजे का था, मगर पता ही चला वो गया कैसे, यार टूट के चला गया वो। और पहले जान भाई भी छत पे नहीं आ रहे थे जब इन्होंने देखे हैं गुड़े, और ये चुपचाप ये दूसरे छत से आ गए हैं। आने शायद बोलते हैं जी मुझे गुड़ा दो मैं उड़ाऊं, मगर आज है सानिया के इब्राहिम के साथ पेचे। और ये जैसे कि सानी भाई ने पेचा लगा दिया है, मारी जल मारी जल, और ये सानी भाई ने पेचा काट दिया, ये काट दिया ना। वो सामने गुड्डे भी लगाओ यार, वो सामने जा रहा है वो, क्योंकि अभी मेरे गुड्डा किसके साथ रहा है, यूपी पढ़ना के साथ, वो तारा बना हुआ उनका काट दिया, अभी उम्मीद है इसके बाद और भी काट दिया, मजा आएगा पेचों की बरसात इंशाल्लाह, मजा आने वाला। और ये जैसे कि सानी भाई का फिर पेचा लग गया आप देख सकते हैं, और सानी भाई का गुड्डा काट गया है यार, बैड लक नहीं रहा यार। हम उसके साथ लगाए, हम वैसे लोगों के साथ लगा लिया, कटवा रहे हैं, छोड़ो यार दफा करो बंद कर दो जी। तो रेड गुड्डा मेरा गया, अभी शेरू को मैंने भेजा, मैंने बोला जाओ नीचे से डाइटावा लेके आओ, साथ में वही T20 वाली डोर लेके आओ, PTI वाला आज डाइटावा उड़ाते हैं, क्योंकि हवा भी डोर की है, केमिकल के साथ मजा ही नहीं आ रहा। अपने गुड्डे एक काटते हैं दूसरा अपना चला जाता है। और अजान साहब के काम देखें, गुड्डे का पहले इन्होंने तीला तोड़ा, और अभी ये तीला जोड़ रहे हैं जबरदस्त,
बहुत अच्छे काम कर रहे हो अजान, बहुत अच्छे। ये साबुत गुड़े पड़े हुए, इतने ज्यादा पड़े हुए हैं, इतने ज्यादा पड़े हुए हैं। ये देखो यार, गुड़ों के तीले जोर के उड़ा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार, शर्म आनी चाहिए। बस शेरू उड़ाए तो उड़ाते हैं ढाई तवा। ये हमारे शेरू भाई आ चुके हैं, जो कि ढाई तवा लेके आए, एक रेम्बो स्टाइल वाला और दूसरा पीटीआई वाला लेके आयो। पीटीआई वाला नहीं लाए यार। ओहो, मैंने बोला पीटीआई वाला लाओगे यार। चलो नो टेंशन यार, रेम्बो वाला उड़ाते हैं, नो टेंशन। ये डोर भी हमारी आ चुकी है T20, और ये हमारा रेम्बो स्टाइल ढाई तवा भी आ चुके हैं। काफी ढाई तवे उड़ रहे हैं, तो सोचा हम भी ढाई तवा ही उड़ाते हैं आज, इंशाल्लाह मजा आएगा। शेरू में तो जरा सब्र नहीं है, जरा इसमें इंतहा सब्र की इंतहा ही नहीं है यार। आते ही ये गुड़ा छोड़ के गुड़ा उड़ा लिया इसने, ब्लैक कलर का, दोबारा से 022 के साथ यार, जोकर के साथ। ये देखो यार, ये देखो पाँव में रखी हुई है गोट, और इसने आते ही उड़ा लिया ये ब्लैक। और देखते हैं अभी क्या करेगा। मैं तो वही अपना ढाई तवा सेट करता हूँ, वो उड़ाता हूँ, तुम लोग उड़ाओ छोटे छोटे गुड़े। जी तो ढाई तवा मैंने टेपिंग वगैरह कर लिया, अभी इसमें डालता हूँ कन्या वगैरह, कन्या वगैरह डाल के तो उड़ाता हूँ। आगे जरा गुड़ों पे लगाओ यार, आज गुड़े भी माशाल्लाह काफी उड़ रहे हैं। बस कन्या डाल जाए तो हम भी अपना ढाई तवा छोड़ते हैं। जी तो ढाई तवा में कन्या शनिया पड़ चुकी है, रेडी हो गया, जो कि अभी T20 के साथ उड़ाना है। माशाल्लाह गुड़ा आप चेक करें यार, लेवल है गुड़े का यार, मजा आ गया। कई रंगोली किस्म का कलर है इसमें, रेम्बो स्टाइल में। तो अभी इंशाल्लाह से उड़ाते हैं, तो फिर आपको बताते हैं। गुड़ा हमारा उड़ना स्टार्ट हो चुका है, तो अभी तो रहते हैं रंगोली को, और ये गई हमारी रंगोली। हाँ हाँ हाँ, आए हैं, मजा आ गया यार। ये अभी आगे जाएगा तो पता नहीं क्या होगा यार, जबरदस्त यार। हमारा रेमो चेक करो यार, कितने मजे का हो रहा है यार, जबरदस्त। इसके कलर आप देखो, बालू अपना गुड़ा टाना यार, ये ना बीच में ले आओ छेकड़ मार। और ये अजान साहब ने भी उड़ाया था यार, अजान साहब भी हमें तंग करते रहते हैं यार, इनकी समझ नहीं आती। शेरू मजे का गुड़े ना यार, बहुत मजे का यार, लेवल देखो गुड़े का यार, जबरदस्त। जी तो गुड्डा हमारा फट गया, अभी आहिस्ता आहिस्ता से उतार रहे हैं हमारी रंगोली, हमारे रेम्बो स्टार वाले गुड्डे को लग गई है नजर, तभी से उतारते हैं, उतार के जोड़ के फिर से उड़ाते हैं यार। इस बेचारे को नजर लग गई है, वो भी अजान की, ये अजान गुफी की नजर लग गई है। वो देखो उड़ा हुआ कितना प्यारा लग रहा है यार, इसने नजर लगा दिया मेरे गुड्डे को जाले में। ओहो हो, अभी से आराम आराम से उतारेंगे, ये ना हो ये फट जाए, आगे देखे ना फट जाए, मजा खराब यार। छिक मार दे दी, रंगोली को छिक मार रहे थे दो दो गे। ये कोई बड़ा तावा तो नहीं है जो मैं ला नहीं पाऊंगा, ये रंगोली है बाबा, रंगोली दो दो गे, दो दो। जी तो हमारा रेम्बो वापस आ चुका है, काफ़ी सारे गुड्डे वगैरह काट के, जो कि पहला पेचा इसके साथ हुआ था, दो गुड्डों का वो काटे थे, वो शेरू ने क्लिप बना लिया था, और बाकी शेरू मोबाइल लेके नीचे चला गया था, तो क्लिप कैप्चर नहीं हो सके, तो गुड्डा अभी हमारा उतर गया। मगरिब का टाइम हो चुका है और गुड्डे भी कम हो गए उन्होंने, तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं नीचे, पहले डोर को सेट कर लें। ये देखें डोर की हालत, ये होता है भाई बड़ी चरखी का नतीजा, क्योंकि लपेटनी होती नहीं है, काफ़ी हैवी होती है। तो अभी इंशाल्लाह डोर वगैरह सेट करते हैं, तो फिर चलते हैं नीचे शॉप पर, मगरिब का टाइम भी हो गया, तो कल फिर कोई न्यू प्लान हुआ तो इंशाल्लाह आपको काइट वगैरह फ्लाई करके दिखाएंगे हम लोग। तो अगर आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। कल मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।